राजधानी भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता एसएन पटेल की रिपोर्ट। देखें कितनी सच्चाई इस बारे में। आज मैंने कल भी एक ट्वीट के माध्यम से नरोत्तम मिश्रा जी को धन्यवाद दिया था उनके साफ गोई को लेकर। कोरोना 40,000 के आसपास संक्रमित मध्य प्रदेश में बढ़ गए हैं, 1,000 से ज्यादा मौतें हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले दिन से जिस तरीके से रोज मीडिया की सुर्खियां बनाने में लगे थे, उनका असली काम करने की शैली प्रदेश को पता चल गई। आज हमीदिया हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने, कोरोना योद्धाओं ने जिन्होंने सेवाएं दी, उनके सही समय पर तनख्वाह नहीं मिली, सही समय पर उनका जो अलाउंस था, भत्ता था, उसका कभी प्रोसेसिंग नहीं हुआ। अब उनका खाना पीना रोक लिया गया, इस सरकार की नीयत को बताता। मैं मानता हूं कि हर दृष्टि से शिवराज सिंह चौहान ने जो सत्ता हथियाई और उसके बाद जो अत्याचार मध्य प्रदेश पे किए, कोरोना उसका एक रिजल्ट है। और कोरोना के परिवार के शिवराज सिंह जी ने खुद स्वीकार किया कि लापरवाही के कारण कोरोना होता है, हमें परवाह में आना चाहिए। खुद कोरोना से ग्रसित हुए, मंत्रिमंडल ग्रसित हुआ, विधायक ग्रसित हुए, बीजेपी के कार्यकर्ता, मतलब सब बेपरवाह है, लापरवाह है आप लोग। तो एक लापरवाह मुख्यमंत्री से और क्या आस की जा सकती। सर, नरोत्तम मिश्रा का ये भी कहना है कि आत्मशुद्धि करने की जरूरत है कांग्रेस को, जो गए उन्होंने अपने आप को शुद्ध कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने 8 राज्यों में चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की और गिरा। विधायकों की खरीद फरोख्त की देश में विश्व में सबसे बड़ी मंडी मध्य प्रदेश और देश बन गया। लोकतंत्र के जो मर्यादित मूल्य भरिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो राम राज्य की परिकल्पना थी, उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया। कितना शुद्धि की बात करें, कितनी गंगा नहाने की बात करें, कितनी पूजा पाठ की बात करें, पर इनके पाप का घड़ा भर चुका है और इनको सजा जनता अब आने वाले चुनाव, जब उपचुनाव जिस दिन होंगे उस दिन दे देगी। कांग्रेस पार्टी पहले भी चुनाव आयोग से मांग कर रही थी कि जल्दी से चुनाव करा, आज भी मांग कर रही है कि जल्दी से चुनाव करा। सर, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग सर आपकी पार्टी की, बिल्कुल सही है। बैलेट हमारे लोकतांत्रिक प्रोसेस में विश्वसनीयता, भरोसा सबसे महत्वपूर्ण। मशीनों पर आम जनता का भरोसा घटता जा रहा है, राजनीतिक दलों का भरोसा घटता जा रहा है। 50 उपचुनाव पूरे देश में होने, कोरोना की महामारी है, मशीन के एक ही बटन पे बार बार हाथ जाएगा तो कोरोना फैलने का भी एक डर होता है। तो एक तो मशीन की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह का सवाल का उत्तर, और दूसरा कोरोना से बचना, दोनों बात इस बात का घोतक है कि इस बार बैलेट पेपर से मध्य प्रदेश में चुनाव या उपचुनाव को जो चुनाव आयोग करा, जिससे कि इस विश्वसनीयता पर, लोकतंत्र पे जो भरोसा इस देश की जनता का 70 साल से है, 75 साल आने वाले 750 साल तक चलता है। बात करके अगर कोई निर्णय उनकी आवश्यकता प्रदेश के हित में, किसानों के हित में है, तो हम तैयार हैं। हमारे किसानों का लाभ होना चाहिए, जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश का अधिकार है। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, पंजाब का मुख्यमंत्री उनकी बात करेगा, मध्य प्रदेश के हम, हमारे परिवार के लोग एक साथ मिलकर, काय की पार्टी, काय के विचार, हम एक साथ है किसानों के साथ। आप इस तरह के मूवमेंट को सकारात्मकता से लेना चाहें तो ओके, केवल बहाने बना के राजनीति करना चाहें और केवल मध्य प्रदेश के किसानों को मूर्ख बनाना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी रहा है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मूर्ख बनाने के बजाय सही दिशा में काम करना चाहिए। सर, इंद्र सिंह कसाना बोल रहा है कि कांग्रेस के और विधायक मेरे संपर्क में, मैं नाम नहीं बताऊंगा। सर, लक्ष्मण सिंह जी बोल रहे हैं कि है ना कि ग्राम शुद्धिकरण अभियान चलाकर उल्टा नुकसान कांग्रेस का होगा, बीजेपी का फायदा होगा। कोई फायदा नहीं होगा कांग्रेस का शुद्धिकरण अभियान चलाने से, कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। ठीक है।